Hello students, I'm Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 11 of class 3. The chapter name is weight. We already completed our two part. Today we will start our new part. That is our part number 3. So dear student. अब तक हम चैप्टर में वेट को लेकर के कई सारे कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं हमने वेट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा एडवांस कॉन्सेप्ट देखा हमने ये देखा कि हम कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका यूज़ करके किसी भी थिंग का वेट फाइंड कर सकते हैं वेट को फाइंड करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वेट्स हैं उनका भी हमने यूज़ करना सीखा था उनके ग्रुप्स में यूज़ करके हमने देखा सिंगल वेट्स का यूज भी हमने किया है सो इतना कुछ नॉलेज हमने ग्रेसअप कर लिया थ्रू द चैप्टर सो आज हम पार्ट थ्री में क्या करने वाला है जब हम इतना कुछ लर्न कर चुके हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे अवर एक्सरसाइज इलेवन इन दिस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चंस को रैंडमली यानी अब तक चैप्टर में हमने जितना नॉलेज ग्रेसअप किया है हम उसका आउटपुट लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज इलेवन सो यू कैन सी अवर क्वेश्चन नंबर वन सेज वट इज द क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग सो यहाँ पे हमें वन साइड वेट्स दिया हुआ है और अनदर साइड वेट्स को हम देख पा रहे हैं यहाँ पे थिंग है इसका सम ऑफ वेट है जो राइट right किया गया है और अनदर साइड हम वेट्स को देख पा रहे हैं सो so, हमें क्या करना है फाइंड करना है इनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल इक्वल कैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट इमेज यू कैन सी वॉट इज द वेट ऑफ थिंग दैट इज फो केजी एंड

फोर के जी इज द कम्बाइंड वेट ऑफ द टू वेट्स क्लियर इन टू वेट्स का जो वेट है वो कितना है वो है हमारा फोर के जी सो हम इजीली राइट एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन्हें मैचअप कर देंगे क्लियर सो फोर के जी ऑन अदर साइड यू कैन चेक फोर के जी चलिए इन नेक्स्ट वी कैन सी थ्री के जी सो वी नो अंदप्शन ए वी कैन इंडिकेट एज अ थ्री के जी सो वी कैन इजीली राइट इन लाइन एंड मैथ द प्लेयर्स सो यहाँ पे हमने फोर के जी को फोर के जी से कंबाइंड किया थ्री के जी को थ्री के जी से कम्बाइंड कर दिया इन द नेक्स्ट यू कैन चेक द नाइन के जी वेट्स कितना के जी है नाइन के जी सो चलिए सेक्शन सिक्स इज फाइव हंड्रेड एंड हंड्रेड ग्राम्स सो टोटली ग्राम्स सिक्स हंड्रेड ग्राम्स इन द अनदर इन इट मीन्स डी सेक्शन वी कैन चेक फाइव के जी देन आफ्टर टू के जी मो सिक्स 7 then 2 kg more 8 9 total weight goes as 9 kg so that is our answer so we draw a line and match all the sections it means we match the 3 to d okay both sides are equal weight that is our 9 kg weights chelly another 600 gram

Heavier than the horse, so our answer will be elephant. Okay, Chale, next pair go check. Kare. Deer and lion, so lion is heavier than deer, so lion is our answer. Okay, ant and cockroach, so cockroach is heavier than ant, so we write there cockroach. Cockroach, clear. Chaliye last, squirrels and monkeys. So monkeys heavier than the squirrel. So our answer will be monkey. Clear. This is our question number two. There we will compare of the animals here and find the heavier animal. Okay. Chaliye next year move karte. What is the question number three? Says the question says write the names of.

एंड बिग टू स्मोल आ रहे हैंड कर रहे हैं सो इजिली यहाँ पर हमें क्या करना है असेंडिंग वेट लेना है लाइट टू हैवियर मूव करना है सो देखिये एंड मोटरसाइकिल सो इजिली वी कैन से बाइसिकल इज द लाइटर सो नंबर वन देन मोटर बाइक एंड मोटरसाइकिल आल्सो हैवियर देन द बाइसिकल सो नंबर टू का इज हैवियर देन मोटरसाइकिल एंड बाइसिकल सो नंबर थ्री एंड एट लास्ट ट्रक इज द हैवियस्ट टर्न सो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ट्रक का वेट है वो कैसा हैवीएस्ट है सबसे हैवी है सो यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर टू फाइंड द वेट्स चलिए नेक्स्ट इमेज इज यू कैन चेक स्कूड पिक्स एक्स एंड प्लग सो प्लग इज हैवियर ओके सो वो तो हमारा लास्ट में जाएगा सबसे जो लाइटर वेट वाला है वो है हमारा स्कूड आफ्टर स्कूड हम क्या देख पा रहे हैं आवर एक्स एक्स के आफ्टर हेवियर कौन होगा पिकाक्स देन सबसे सबसेवियर कौन है प्लग सो दिस इज आवर सिक्वेंस वन टू थ्री फोर क्लियर इन दिस क्वेश्चन वी डू एक्टिविटी थ्रू विच वी फाइंड द हेवियर वेट Of a given group. और हमने अरेजमेंट को समझा है कि हम कैसे लाइट टू हैवियर की ओर अरेन्ज करते हैं इन शॉर्ट वी कैन से हमने वेट्स को अरेज किया है इन असेंडिंग ऑर्डर में तो so चलिए अब नेक्स्ट क्यों मूव करते हैं सो वॉट इज देशन फोर्स इज देशन से ब्लैंक विथ लाइट और टू दियर वेट्स, सो हमें यहां पे कंपेयर करना है और ये फाइंड करना है इन कंपेयरिंग थिंग्स में से कौन सा लाइट है वहां हम लाइट लिखेंगे और जहां हैवी थिंग्स होगी उस साइड हम क्या लिखेंगे हैवी लिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो स्टील प्लेट एंड पेपर प्लेट इन दिस ग्रुप वी कैन इजीली से पेपर जो प्लेट है वो लाइटर है देन द स्टील प्लेट सो इट इज हैवी एंड पेपर प्लेट इज लाइट क्लियर ओके okay. हमें कंपेयर ओनली दिस ग्रुप्स में करना है ऐसा नहीं हम सभी चीजों में कंपेयर करें नो जो ग्रुप्स में हमें थिंग्स दी गई हैं हमें उनमें कंपेयर करना है सो नेक्स्ट ग्रुप क्या कह रहा है वुडन बॉक्स और आयरन बॉक्स सो आयरन बॉक्स इज हैवीयर देन द वुडन बॉक्स सो वुडन बॉक्स इज लाइटर ये हमारा लाइट थिंग होगा ये हमारा हैवी थिंग होगा ओके चलिए नेक्स्ट की मूव करते हैं सो क्वेश्चन 5 क्या करना है उससे मैच करवाना है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ कौन सा देख रहे हैं फिफ्टी ग्राम फाइव हंड्रेड ग्राम वी चेक वन के जी ऑल्सो अनदर साइड हम क्या देख पा रहे हैं फाइव हंड्रेड ग्राम वन किलोग्राम एंड फिफ्टी ग्राम सो so, हम इजीली फिफ्टी ग्राम को एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 50 ग्राम से मैच करेंगे कंपेयर हुआ चलिए कम्प्लीट पेयर एंड 500 ग्राम को 500 ग्राम से पेयर किया हमने एंड जो हमारा वन के है उसको वन किलोग्राम से पेयर किया बिकॉज वी नो के जी इज़ ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलो ग्राम ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यों मूव करते हैं सो हेयर यू कैन चेक टू के जी वेयर इज दैट दैट इज फाइव किलोग्राम एंड टू किलोग्राम सो वी ड्रॉ ए लाइन एंड मैच दिस एंड फाइव के जी मैच अप विद द फाइव किलोग्राम ओके सो यहाँ पे हमने वेट्स को वेट से मैच किया है ठीक है इक्वल वेट्स को जो इक्वल वेट्स हैं उनका उसको वेट से मैच कर दिया है चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं सो क्वेश्चन सिक्स इज हेयर एंड द क्वेश्चन सेज विच वेट्स विल यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग चलिए हमें अब यहाँ पे हमारा जो नॉलेज है उसका यूज़ करना है ग्रेसअप किया हुआ नॉलेज है उसको हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं ये हमें यहाँ पे देखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं

हमने वहां सिक्स के का नहीं देखा हमने वहां देखा था फाइव के का तो चलो हम फाइव के का यूज करते हैं बिकॉज हमें मेजर करना है, सो so, हम इससे मोर तो कर ही नहीं सकते हम टेन के का तो यूज कर ही नहीं सकते सो so, सिक्स के अराउंडिंग का फाइव के का हमने यूज कर लिया क्या हमने पूरा प्रॉपर वेट कर लिया नहीं अभी हमें वन के की और नीड होगी तब हमारा प्रॉपर वेट होगा सिक्स के हो गया ना सो हम इजीली कह सकते हैं अगर हमें फाइंड करना है द वेट ऑफ सिक्स के जी मेज देन वी शुड यूज़ फाइव के जी एंड वन के जी वेट्स ओके इन टू वेट्स का हमें यूज़ करना होगा चलिए नेक्स्ट है फोर के जी सोयाबीन सो नाउ फाइव के का वेट हमारे लिए यूजलेस है हम उसका यूज़ नहीं कर सकते सो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं उससे का, we the so, का हम देख पा रहे के के लिए हमें two, two kg के two weights का need होगा। चलिए सेवन हंड्रेड ग्राम्साइव हंड्रेड ग्राम्स का वेट्स होता है बट सेवन हंड्रेड का होता नहीं है सो so, हम ये जानते हैं फाइव हंड्रेड ग्राम्स के आफ्टर अगर हमने टू हंड्रेड ग्राम का वेट और लिया तो टोटल अमाउंट गोज सेवन हंड्रेड ग्राम सो वी कैन इजीली से इफ यू फाइंड द वेट ऑफ सेवन हंड्रेड ग्राम वाजरा देन वी शुड यूज टू टाइप्स ऑफ वेट्स 500 ग्राम एंड 200 ग्राम ऑल्सो सो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा 9 के सो वी कांट यूज़ 10 के जी वेट बिकॉज द गिवन वेट इज़ द लेसर और लाइटर देन द वेट ऑफ 10 के जी सो हम यहाँ पे 9 के का यूज़ करना है सो नाइन के जी का वेट्स होता ही नहीं है सो so, हम क्या करेंगे भाई उससे जो स्मॉलर है दैट इज़ अवर फाइव के वेट्स आफ्टर फाइव के जी वी कैन यूज़ टू के सो सेवन के जी गोज हैजैन टू के जी मोर क्रिएट द टोटल अमाउंट हैज नाइन के जी वेट ओके सो इन शॉर्ट वी कैन से इफ यू फाइंड नाइन के जी वीट वेट दैन वी कैन ईजीली यूज थ्री टाइप्स ऑफ वेट्स लाइक फाइव के जी एंड टू टू के जी के टू वेट्स को यूज करना होगा सो टोटल अमाउंट गोज हैज नाइन के जी चलिए लास्ट को हम चेक करते हैं Two and half kg chickpea. It means chickpea. Sorry, that is chana. So dear student you can check the one upon two. What is this? In our part, we will discuss about that one upon two. That is our half kg. kitna Half kg. And we know half kg has the power of 500 gram. de And one fourth kya tha? Two. 50 ग्राम हमने वहाँ पे इन सब के बारे में डिस्कस किया है चैप्टर में अच्छे से सो so, हम यहाँ कह रहे हैं कि हमें चाहिए एक तो 2 के का और एक हाफ के जी का हाफ के जी का वेट कौन सा होता है दैट इज अबाउ 500 हंड्रेड ग्राम सो इजिल वी राइट दियर टू के जी वेट एंड वन अपॉन टू मीन्स फाइव हंड्रेड ग्राम वेट आल्सो सो हेयर इज द टोटल वेट क्रिएटेड एज टू फाइव हंड्रेड इट मीन्स टू के जी एंड हाफ के जी मोर ठीक है सो दीज आर अवर क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज चेक करते हैं क्वेश्चन राइट द टोटल वेट सो यहां पे हमें अमाउंट ऑफ वेट दिया गया है उसका हमें एडिशन करना है डियर स्टूडेंट एडिशन का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या था हमने देखा था कि वंस प्लेसेस को वंस प्लेसेस के नीचे पुट कर रहे हैं टेंस प्लेसेस को टेंस प्लेसेस के नीचे पुट कर रहे हैं हंड्रेड प्लेसेस को हंड्रेड प्लेसेस के नीचे पुट कर रहे हैं सो दैट वे अगर हमें वेट्स का भी टोटल फाइंड करना रहता है तो हमें यहाँ पे जो यूनिट्स हैं कौन कौन सी आवर ग्राम्स यूनिट्स एंड आवर किलोग्राम्स यूनिट्स इनकी ग्रुपिंग रखनी होती है किलोग्राम को हमें किलोग्राम के नीचे पुट करना रहता है ग्राम्स को हमें ग्राम्स यूनिट के नीचे राइट डाउन करना है सो so यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इन पावर फर्स्ट इट मीन ए ए सेक्शन वी कैन चेक के जी के जी के जी इट मीन्स ऑल वेट्स आर सेम यूनिट है हम इनका एक ऐड करेंगे और यूनिट फाइंड कर लेंगे सो टू आफ्टर फाइव मोर क्रिएट सेवन देन वन मोर क्रिएट एट सो फाइनली टोटल अमाउंट गोज इज एट के जी सो इजी क्लियर चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं इन द बी सेक्शन वी कैन चेक 500 ग्राम एड बाय 100 ग्राम देन एड बाय 200 ग्राम सो इजीली वी कैन से ऑल यूनिट्स आर हैव सेम यूनिट दैट इज आवर ग्राम यूनिट सो इजीली वी कैन कंबाइन दैट ऑल 500 आफ्टर 100 मोर देन 600 देन 200 मोर दैट क्रिएट 800 सो वी कैन इजीली राइट देयर 800 ग्राम इज अ टोटल ऑफ द गिवन अमाउंट इन द सी सेक्शन वी कैन चेक 2 केजी फाइव के जी एंड एट बाई फाइव हंड्रेड ग्राम सो हेर इज इज लिटिल बिट टिपिकल्टी यहाँ पे हमारे पास में जो अमाउंट आ रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में टू अमाउंट्स हमें दिया गया है के सेक्शन में एंड हमें वन यूनिट दिया गया है हमारा ग्राम सेक्शन में सो so इजीली हम फॉलो करेंगे हमारा बेसिक रूल ऑफ एडिशन जो कहता है कि सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में ऐड करो सो so यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा के का सेक्शन जो यूनिट्स हैं वो है टू के जी एड बाई फाइव के सो टोटल अमाउंट गोज एज सेवन के वेरी नाइस

12 13 so we can easily write their total or sum as 13 kz also so dear student this was our chapter देयर वी विल लर्न अबाउट द वेट यहाँ पर हमने वेट के बारे में डिस्कस किया वेट का मेजरमेंट कैसे करेंगे कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वेट्स कौन कौन से होते हैं कैसे हम वन एंड मूव वेट्स का यूज़ कर पा रहे हैं इन सब के ऊपर हमने हमारे चैप्टर में डिस्कस किया और रैंडमली इतने सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया एंड आई होप आपने अच्छे से इन्जॉय की होंगे क्लासेज को सो डियर स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग कीप लर्निंग सी एस सोन इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू